सबसे पहले एल्कोहलिक एनोनिमस आया. एल्कोहलिक एनोनिमस क्या था? दो एल्कोहलिक थे, शराबी थे, शराब पीते थे, बार बार कोशिश की छोड़ने की, कुछ दिन छोड़ देते थे लेकिन फिर दोबारा दोबारा लग जाते थे, बहुत बार प्रयास किया फिर लग जाते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे. अंत में ये आ जाती है ना सिचुएशन कि छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे थे, तो डेली पैसेंजर हो गए. एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे, शाम का वक्त था, बात करते रहे करते रहे करते रहे, बात करते में करने में भूल गए कि शराब पीने का जो टाइम है वो निकल गया. गए, दुकानें वगैरह बंद हो गई और इन्होंने सोचा कि यार आज का दिन तो निकल ही गया तो इसको निकल ही जाने दो. इससे उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया. उन्होंने कहा यार आज के दिन हमें पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया, बातों बातों में हमारा टाइम निकल गया, तो क्यों ना हम रोज ऐसे करें. रोज शाम को उन्होंने क्या करना शुरू किया, मीटिंग करनी शुरू कर दी, वो बातचीत करनी शुरू कर दी और वो इतना मशरूफ हो जाते थे, वो टाइम बीत जाता था और ऐसे करते करते एक एक दिन करके इन्होंने बिताना शुरू कर दिया. और मंत्र क्या था, आज का दिन नशा नहीं करना, कल के दिन की कल को देखेंगे. ठीक है ना. सो एक एक दिन करके इनका चलता रहा, एक एक दिन करके एक हफ्ता बन गया, एक एक हफ्ता करके एक महीना बना. लोगों ने देखना शुरू किया यार ये जादू क्या है, ये लोग शराब कैसे छोड़ गए. धीरे धीरे चर्चा होनी शुरू हो जाती है ना भी ये छोड़ गए, ये शराबी थे. तो करते करते एक और आदमी ने पूछा यार मैं भी शराब छोड़नी चाहता हूँ, आपने कैसे छोड़ी मुझे कोई फंडा बताओ. तो उन्होंने बताया, कहते यार हमारा तो ये टेक्निक है, शाम के वक्त हम बैठ जाते हैं और बातचीत चलती है और ऐसे हम अपना दिन निकाल लेते हैं. तो उसने कहा यार मेरी भी हेल्प करो, कहते हाँ करेंगे तेरी भी करेंगे. तो ऐसे ऐसे करके बिल एंड बॉब थे जो, उनके साथ तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा और ये टेक्निक इतनी कामयाब होगी कि धीरे 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 वहां पर बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते थे एल्कोहलिक एनोनिमस. एल्कोहलिक मीन्स जो शराबी हैं, एनोनिमस मीन्स वो जो नाम को गुप्त रखते थे. आपकी जो पहचान है वो किसी को बताते नहीं थे कि ये आदमी भी हमारे ग्रुप में. तो आप अपनी मर्जी से बताना चाहो तो अलग बात है, लेकिन वो लोग आपका नाम, पता, चेहरा किसी को नहीं बताएंगे. एनोनिमिटी बोलते हैं इसको. सो दैट इज वाई एल्कोहलिक एनोनिमस. तो इस तरीके से वो ग्रुप बना, धीरे धीरे हर शहर में खुलना शुरू हो गया. आज पूरे विश्व में इनकी हर देश में अलग अलग ब्रांचेज हैं और ये संस्था बहुत कामयाब है. बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इससे हेल्प लेके ठीक हुए. ऐसे ही एक संस्था बनी इसकी कामयाबी देखकर जिसका नाम था नारकोटिक एनोनिमस. एल्कोहलिक एनोनिमस किन के लिए थी, जो सिर्फ शराब पीते थे. नारकोटिक एनोनिमस किन लोगों के लिए है, जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, वो सब तरह के नशों के लिए हो गई. क्लियर है. सो कॉन्सेप्ट इसके पीछे भी वही था कि एक एक दिन करके हम इस चीज को छोड़ेंगे. फंडा देखो इसके पीछे, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या काम कर रही है. देखो जब भी हम नशे पे लगे थे, ऐसा नहीं था एक दिन सुबह उठा आदमी और सुबह जाके दुकान पर गया और कहता कि मुझे नशा दे दो. कोई भी आदमी हवा में नशे पे नहीं लगा. जब भी आप नशे पे लगे थे, किसी ना किसी दोस्त ने, किसी ना किसी के ऊपर जिसके ऊपर आप विश्वास करते थे, जिसके साथ आप बैठते थे, उसी ने आपको ऑफर किया होगा कि यार पी के देख. यही होती है ना शुरुआत. आपको किसी ना किसी की संगत में ही यह शौक पैदा हुआ और किसी ना किसी ने आपको लगाया और उसके साथ रहते रहते आपका जो लाइफ बदलनी शुरू हुई, आप नशे पे लगे. अब छोड़ने में भी यही नियम काम करेगा. अब आप छोड़ने की बात कर रहे हो, आप नशा छोड़ना चाहते हो, तो ये नियम वहां पर भी काम करेगा. अब तक हम किन लोगों को देखते रहे, हमने ऐसे लोग देखे जो नशा करते हैं और बार बार लग जाते हैं और वो क्या कहते हैं, नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है, नशा नहीं छूट सकता. हमें ऐसे लोग दिखे नहीं रहे जो कहें कि मैं ठीक हो गया, मैंने नशा छोड़ दिया. उस ग्रुप में जाकर आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं कि जिनको देख देख कर आपको लगता है कि यार ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता. और जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरी वाइफ चली गई, मैंने ये किया, मैं रोड पे आ गया और फिर मैं कामयाब हुआ. जब आप देखते हो, सुनते हो, आपके अंदर भी मोटिवेशन पैदा होती है, यार मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ नहीं. और दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है, कई बार आपको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है. अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, अगर ये सब कुछ इसके साथ भी हुआ, ये ठीक हो गया तो ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ. और तीसरा फायदा क्या होता है, जब आप नशा छोड़ने की बात करते हो ना, विश्वास नहीं आता. आपको लगता है कि यार कहाँ छूटेगा नशा,
है ना। आज के दिन जब आपको कहा जाता है नशा छोड़ दो, अंदर से फीलिंग आती है कि शायद मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, और ये शायद मुश्किल काम है। आपको लगता है कि शायद नशा छोड़ के ना खुशी नहीं रहेगी, एंजॉय कैसे करूंगा जिंदगी को, बोरिंग हो जाएगी लाइफ, टाइम कैसे पास होगा, मस्ती कैसे होगी, जिंदगी शायद उदास हो जाएगी नशा छोड़ दूंगा। लेकिन जब आपको रोज रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी वहां पर, ऐसी ऐसी शेयरिंग सुनने को मिलेगी, जब वो बताएंगे कि यार शुरू शुरू में तकलीफ हमें भी हुई थी, हमें भी ऐसा ही लगता था कि नशा छोड़ के हमारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हमारी सोचने की शक्ति वापिस आई और हमारे जो महसूस करने का जो फीलिंग है वो वापिस आई, और आज हम बिना नशे के भी खुश हैं। जब ये चीजें आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो और उनको रियल लाइफ में जाकर देखते हो, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे आपका माइंड भी मानने शुरू कर देता है कि ये पॉसिबल है। जो अब तक असंभव लग रहा है वो संभव बनना शुरू हो जाता है।